हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल अमित मोड़ो व्लॉग्स के अंदर। आई होप आप सभी ठीक होंगे। तो दोस्तों, यामा की जितनी भी बाइक्स हैं इंडियन मार्केट के अंदर, उन्हें काफ़ी ज़्यादा प्यार दिया गया है। इंडियन मार्केट में लोगों ने काफ़ी अच्छा पसंद भी किया है। तो भाई, यामा की MT-15 है, उसका जो वर्जन आया था फर्स्ट वाला, उसको भी काफ़ी पसंद किया गया। उसके बाद में यामा ने वर्जन 2.0 को लॉन्च किया, वो भी काफ़ी ज़्यादा पसंद किया गया, काफ़ी प्यार दिया गया उस वर्जन को भी। लेकिन यामा कंपनी अपनी MT-15 की वर्जन 3.0 को भी काफ़ी जल्दी इंडियन मार्केट के अंदर लाने वाली है, जिसमें काफ़ी अच्छे फीचर्स देखने को मिल जाएंगे, काफ़ी बेहतरीन फीचर्स मिलने वाले हैं। इसके साथ में लुक भी काफ़ी ज़्यादा स्पोर्टी देखने को मिल जाएगा, काफ़ी बल्की लुक देखने को मिल जाएगा। अब इसमें क्या क्या फीचर्स मिलने वाले हैं, क्या इसकी लॉन्च डेट रहने वाली है, साथ ही कब तक इसको लॉन्च किया जाएगा और क्या इसकी प्राइस रहने वाली है, वो सभी जानने वाले हैं इसी वीडियो के अंदर। तो भाई, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले लाइटिंग सेटअप की बात करें तो इसमें अपने को ऑल LED सेटअप देखने को मिल जाएगा। डिज़ाइन में कोई भी चेंजमेंट नहीं किया जाएगा लाइटिंग के अंदर। साथ ही ब्लूटूथ की कनेक्टिविटी के साथ में आपको TFT कलरफुल डिस्प्ले देखने को मिल जाएगा इसके अंदर। और ब्रेकिंग सिस्टम में आपको डुअल चैनल ABS मिलने वाला है। सेफ्टी वाइज आपको साइड स्टैंड कट ऑफ सेंसर भी देखने को मिल जाएगा दोस्तों। वहीं पे इंजन की बात करें तो इंजन आपको 155 cc का लिक्विड कूल इंजन मिलने वाला है, जो कि आपका BS6 फेस 2 वाला इंजन रहेगा, यानी कि OBD2 सेंस स्प्रे इंजन काम करने वाला है और E20 कैपेबल इंजन रहने वाला है। तो भाई, 20% आप इसमें इथेनॉल भी यूज़ में ले सकते हैं दोस्तों। वहीं पे इसमें अदर फीचर्स की बात करें तो TCS मिल जाएगा, यानी ट्रैक्शन कंट्रोल सिस्टम, क्विक शिफ्टर देखने को मिल जाएगा, स्लीपर क्लच जैसे ऑप्शंस देखने को मिल जाएंगे। अब आपको इसमें फ्रंट के अंदर गोल्डन कलर का UHD सस्पेंशन देखने को मिलेगा, रियर के अंदर आपको मोनोसॉक्स का सस्पेंशन मिलने वाला है। साथ ही ये गाड़ी आने वाली है 6-speed गियरबॉक्स के साथ में। और माइलेज की बात करें तो माइलेज आपको 40 से 45 के MPL तक का आसानी से माइलेज देखने को मिल जाएगा। अब बात कर लेते हैं इसके प्राइसिंग सेगमेंट की, तो जो इसका स्टार्टिंग प्राइस है वो अपने को 2,15,000 से 2,30,000 रुपये के बीच में इंडियन मार्केट के अंदर देखने को मिलेगा। वहीं पर इसके लॉन्च डेट की भी बात कर लें तो भाई, ये गाड़ी अपने को 2024 के मिड मंथ तक देखने को मिल सकती है। कहने का मतलब 2023 में तो ये बाइक देखने को नहीं मिलेगी, क्योंकि यार हाल ही में MT-15 का जो वर्जन 2.0 है उसे लॉन्च किया गया है। तो भाई, उसकी भी सेल काफ़ी ज़्यादा हो जाने दो, काफ़ी मतलब बिक जाने दो बाइक्स के जो भी बनाए गए हैं। और जो वर्जन 3.0 है वो 2024 में लॉन्च हो जाएगा, ये तो कंफर्मेशन है दोस्तों। लेकिन ये आपका लॉन्च होगा मिड मंथ के अंदर, यानी कि मई से जून के बीच में लॉन्च हो सकता है। अगर कोई कारणवश ये लॉन्च नहीं होता है तो 2024 के लास्ट में तो कन्फर्मेशन इस बाइक को लॉन्च कर दिया जाएगा इंडियन मार्केट के अंदर। तो भाई, इस बाइक को कौन कौन परचेस करने वाला है या फिर आप वर्जन 2.0 को ही खरीदने वाले हैं, वो हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। साथ ही इस बाइक को लेकर आपकी क्या राय है वो भी हमें ज़रूर बताइएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। चैनल को यार सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए। वीडियो को पूरा देखने के लिए आपका दिल से धन्यवाद।